की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज न्यूज। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, उनके रोड या सभाओं में अक्सर मोदी मोदी के नारे सुने होंगे। हालांकि इन सबसे अलग हाल ही में लोकसभा में बीजेपी सांसदों द्वारा मोदी मोदी के नारे लगाए गए हैं। सदन में इस तरह के नारे लगाए जाने पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने आपत्ति जताई है। महुआ मोइत्रा ने मोदी मोदी के नारों को सदन की गरिमा से जोड़ते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने सांसद को रोम का कोलोसियम बना दिया है, जहां प्रधानमंत्री ग्लेडिएटर की तरह आते हैं। इस दौरान उन्होंने इसके लिए पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की टिप्पणी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वाजपेयी का बुरा डर सच हो गया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को मंगलवार को जब लोकसभा में बोलने का अवसर मिला तो मोइत्रा ने अपनी बात को कहने के लिए 1972 में वाजपेयी द्वारा सांसद में की गई टिप्पणी को उद्धृत किया। मोइत्रा के अनुसार वाजपेयी ने कहा था कि नई दिल्ली का माहौल इन दिनों दम घोटू हो रहा है, स्वतंत्र रूप से सांस लेना आसान नहीं है। ऑल इंडिया रेडियो पर सुबह से रात तक एक प्रधानमंत्री का नाम का जाप, सिनेमा स्क्रीन पर लगातार प्रोपेगेंडा, विपक्ष में बैठे लोग इससे कैसे लड़ सकते हैं। नागरिक विमानन मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों पर चर्चा में शामिल होते ही मोइत्रा ने कहा कि यह शायद भारत की सबसे बड़ी त्रासदी है कि वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जिस पार्टी का नेतृत्व किया, वह आज सांसद को रोम के कोलोसियम की तरह चला रही है। हालांकि अधिकांश लोग ग्लेडिएटर के बारे में जानते होंगे, लेकिन महुआ मोइत्रा की इस टिप्पणी के बाद हम में से अधिकांश लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि कोलोसियम क्या है। रोम का ऐतिहासिक कोलोसियम दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 70 ईस्वी में माना जाता है। यह प्राचीन रोम आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है। अंडाकार आकृति वाली यह जगह उस दौर में थिएटर या कहे कि स्टेडियम की तरह हुआ करती थी, जहां खुले आसमान के नीचे बैठकर मनोरंजन के कार्यक्रम और ग्लेडिएटर फाइट यानी कि तलवार से लड़ा जाने वाला युद्ध होता था और लोग आनंद उठाते थे। इस स्टेडियम में ग्लेडिएटर बाघों से लड़ते थे। मनोरंजन के लिए यहां योद्धाओं के बीच खूनी लड़ाई हुआ करती थी। अनुमान लगाया जाता है कि यहां ऐसे ही प्रदर्शनों और मनोरंजन के लिए लड़ाइयों में 5 लाख पशु और 10 लाख लोग मारे गए। रोमन इस खेल को काफी पसंद करते थे। बाद में इसे बंद कर दिया गया। I would like to quote former Prime Minister Vajpayee in 1972, who said in Parliament, "These days the atmosphere in New Delhi makes one choke. It is not easy to breathe freely. The chanting of a Prime Minister's name on All India Radio from morning to night, saturated propaganda on cinema screens. How can people sitting in opposition fight this? It is India's greatest tragedy, perhaps, that the very party Vajpayee ji led as Prime Minister today leads a government that has turned this very same Parliament into the Colosseum in Rome in the first century, where like a gladiator, the Honourable Prime Minister enters to chants of Modi, Modi. And sadly, those entrusted with the decorum of this house, the garima, as they like to put it, smiles smugly through it all. So today, as a woman parliamentarian, let me chant some names that truly deserve applause, both in this house and in the annals of civil aviation history of India. The first Indian woman to get a pilot's license, Urmila Parekh. The first woman commercial pilot, Prem Mathur. The first woman pilot of Indian Airlines, Durga Banerjee. The first woman IAF officer to fly in a combat zone, Gunjan Saxena. The captain of the first Boeing having an all-women flight crew, Saudhamani Deshmukh. The youngest pilot in civil aviation history to command a jet aircraft, Nivedita Bhasin. And on this celebratory note, my esteemed colleagues, let us do what needs to be done. Keep the Maharaja out of the skies by all means, but let's keep the Aam Aadmi flying high. Jai Hind. Thank you very much. देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज न्यूज़।
यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।